हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम अपने एसएससी बोर्ड के साइंस टू चैप्टर वन के पेज नंबर वन और टू, जिसमें बताया गया है कि प्रथिन यानी आपने सुना ही होगा प्रोटीन का निर्माण हमारा शरीर किस प्रकार करता है, इस बात की आज हम जानकारी लेंगे। पर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातों का इसमें ध्यान देना होगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं या अपने पुरानी टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी आपको है सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड है और बहुत ही बेसिक जानकारी है। इसका डीप में मैं विस्तार से वर्णन फिर कभी किसी वीडियो में करूँगा। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम समझेंगे डीएनए की संरचना, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। डीएनए के एक छोटे से विशिष्ट पार्ट को, भाग को हम जीन नाम देंगे, ठीक है। अब डीएनए कहाँ मिलता है, यह कोशिका के अंदर। हमारे शरीर बहुत सारी अरबों कोशिकाओं से बना है, उस कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए आपस में मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं और ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। पिछली कक्षा में आपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था। अब गुणसूत्र क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ। ये हमारे अनुवांशिक गुण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, जैसे कोई कैसे दिखाई देगा, उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसका हाइट कितना होगा, उसकी आदतें क्या होगी, ये सब अनुवांशिक गुण इस गुणसूत्र में संग्रहित होते हैं और ये गुणसूत्र बनता है डीएनए के आपस में मिलने से। अब डीएनए बनता किससे है, डीएनए एक विशेष प्रकार का महाअणु है जिसमें शुगर का यहाँ पे अर्थ मतलब शक्कर नहीं है। हम जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आपने रोटी खाई है, बनाना खाया है, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पे हम उसको नाम देंगे शुगर। फॉस्फेट के अणु और नाइट्रोजन, प्रथिन नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथिन बनता ही है नाइट्रोजन की वजह से। तो नाइट्रोजन बेस के भी चार प्रकार हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एक विशिष्ट प्रकार है जिसको हम कहेंगे यूरासिन। दोस्तों, मैं एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा। डीएनए को एक के बाद एक, अगर हमारे शरीर के सारे डीएनए को एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई होगी लगभग 10 अरब किलोमीटर। हाँ दोस्तों, ये एकदम सच बात है। हमारे शरीर में इतना डीएनए है कि अगर एक के बाद एक जोड़े तो वो 10 अरब किलोमीटर लंबा होगा। ये दूरी हमारे ग्रह से प्लूटो तक जाकर वापस आने के बराबर है। तो ये थी हमारे डीएनए के बारे में संक्षिप्त छोटी सी जानकारी। अब हम आगे हम समझेंगे कि प्रथिन यानी प्रोटीन क्या है, ठीक है। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई पदार्थ है तो वह है प्रथिन, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रथिन करता क्या क्या, शरीर के सारे महत्वपूर्ण काम जैसे एंजाइम बनाना, हॉर्मोन्स बनाना, मांसपेशियों का निर्माण करना, रोगों से लड़ने की शक्ति, हमारे मस्तिष्क का सही से संचालन करना और एंटीबॉडी। दोस्तों, हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु विषाणु प्रविष्ट करता है या कोई भी प्रकार की बीमारियाँ होती है या कुछ भी सूक्ष्मजीव प्रविष्ट करता है तो उनसे लड़ने की सारी क्वालिटी एंटीबॉडी के पास होती है और वो एंटीबॉडी बनता है किससे, प्रथिन से। अब प्रोटीन क्या होता है, यह एक प्रकार से महाअणु है। मान लीजिए आपके घर पे दीवार है, वो दीवार किन से बनी हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से। उसी प्रकार प्रोटीन एक दीवार है तो वह 22 अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन कौन कौन से खाद्य पदार्थ में मिलता है, अंडा, मांस, मछली, दूध या दाल या अंकुरित अनाज, इसके अलावा बहुत सारे फलों में भी और कुछ अलग स्पेशल खाद्य पदार्थों में भी प्रोटीन मिलता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसकी कमी से हमारा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम समझेंगे सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए जब प्रथिन निर्माण का कार्य करने लगेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल डॉग्मा। वापस से सुनिए, जब डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रथिन निर्माण का कार्य हम करने में सहायता करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। जी हाँ,
अब आरएनए के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दे दूँ। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, एम से मैसेंजर, मैसेंजर यानी ये संदेश देने का काम करते हैं। टी से ट्रांसफर आरएनए और आर से राइबोसोमल आरएनए। हमारे शरीर के अंदर राइबोसोम, कोशिका के अंदर राइबोसोम है और ये आरएनए वहाँ पे होते हैं, इसलिए इनका नाम है राइबोसोमल आरएनए। तो हम अपने टॉपिक में आगे नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं जिसका नाम है प्रतिलेखन। अब दोस्तों प्रतिलेखन क्या है, सबसे पहले आप समझिए ये हमारा डीएनए है, ये इस वक्त सर्पिलाकार यानी आपस में घूमा हुआ है। जब ये डीएनए घूमने की जगह सीधा सीढ़ी नुमा आकार में आ जाता है और ये सीढ़ी के एक पाए आपस बीच में से टूट जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन का है, ये प्रथिन के अंदर का नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ के इस तरह सीढ़ी नुमा दो आकृति बनाते हैं और बाद में ये घूम जाता है, डीएनए बनता है। तो डीएनए जो घूमा हुआ है सीधा हो जाएगा, जो ये नाइट्रोजन के बेस जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएंगे और इस प्रकार एक टुकड़ा मिलेगा, ये बन गया एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। वापस से, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। अब आगे क्या होता है दोस्तों, यह एमआरएनए केंद्रक, वो डीएनए कहाँ होता है मैंने पहले बताया, यह केंद्रक में होता है। अब एमआरएनए केंद्रक से निकलकर केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव में जाता है। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है और ये केंद्रक है, तो अब इस केंद्रक से निकल के एमआरएनए कहाँ गया, यहाँ इस बाहर, यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव है। अब वहाँ यह राइबोसोम से मिलता है और उससे जुड़ जाता है। इस कार्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसके बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। फिर से नाम याद रखिए, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। इसकी वजह से आगे के सारे काम होते हैं और ये प्रथिन निर्माण में कार्य करता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये है एमआरएनए, उसका एक सीढ़ी नुमा टुकड़ा है और ये जो आप देख रहे हैं ये है नाइट्रोजन, जो मैंने बेस बताया था, ये संकेतों के रूप में मैंने लिखा हुआ है। और ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ये है आरएनए पॉलीमरेज, यानी इस गोले के अंदर ही ये एमआरएनए दूसरे प्रथिनों का निर्माण करेगा। तो दोस्तों आपने समझा, हमने क्या देखा, प्रतिलेखन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रतिलेखन कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं जो कि क्या है। अब आगे देखिए क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर लिखे कोड के अनुसार अमीनो अम्ल राइबोसोम के तीन के समूह में भेजता है। जो राइबोसोम हमारी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है वह तीन तीन के समूह में भेजता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तीन के समूह में राइबोसोम ने भेजा है, ये तीन का ग्रुप दिख रहे हैं। अब ये तीन का समूह, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, ट्रिपलेट कोडॉन। फिर से मैं बता रहा हूँ, तीन के समूह में कोड भेजा है राइबोसोम ने इस एमआरएनए से जुड़ने के लिए, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी तीन, कोडॉन यानी कोड। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ये कोड है तो जो राइबोसोम भेजेगा उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन, और ये जो लेके आएगा उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे अमीनो अम्ल का एक अणु होता है, दिखाई दिया आपको, अमीनो अम्ल का एक अणु, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे अणु आएंगे और ये आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में एमआरएनए के कोडॉन, ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया में एमआरएनए के कोडॉन और राइबोसोम के एंटी कोडॉन मिलते हैं। एंटी कोडॉन मतलब जो राइबोसोम ने ये भेजा है ये कोडॉन पहले से था और ये राइबोसोम ने भेजा है, ठीक है। तो ये पहले से था, इसको बोलेंगे कोडॉन, और जो राइबोसोम ने इसका विपरीत वाला भेजा उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। तो इन दोनों के मिलने से एक विशेष प्रकार का बॉन्ड यानी इन लोग में बंध बनता है और ये अमीनो अम्ल के अणु आपस में जुड़ते जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आप ध्यान से देखिए, एमआरएनए के कोडॉन एवं राइबोसोम के एंटी कोडॉन मिलने पर अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाषांतर। ये हमारी आज की दूसरी परिभाषा है। भाषांतर क्या है,
ये है एंटी कोडॉन, और आरएनए के ऊपर जो कोडॉन है, इन दोनों के मिलने से अमीनो अम्ल एक के बाद एक लंबी श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं, इसी को कहते हैं भाषांतर। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के दौरान राइबोसोम हर बार एक एक ट्रिपलेट कोडॉन अंतर से आगे सरकता जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है ये ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो जो राइबोसोम है अगर यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद तीन, फिर तीन, फिर तीन, तीन तीन के समूह में इस तरफ से राइबोसोम इस तरफ से आगे सरकते जाता है तीन तीन के अंतर। ठीक है, और इसे ही स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण मतलब क्या, राइबोसोम एक सिरे से तीन तीन कोडॉन के अंतर से आगे सरक रहा है, सरकना यानी स्थानांतरण, इसी को कहते हैं स्थानांतरण। राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीन तीन कोडॉन के अंतर से सरकता है, इसे ही कहते हैं स्थानांतरण। और अंत में प्रथिन का एक बड़ा सा अणु निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कुछ ऐसी है, एक अणु जुड़ा, उसके बाजू में दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा, और आपस में मिलके ये क्या हो गए, पूरे बहुत बड़ा प्रथिन बन गया। अब ये प्रथिन हमारे जिस शरीर के जिस अंग के लिए महत्वपूर्ण है या जिस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, उस हिस्से में जाके वो कार्य करता है। तो दोस्तों हमने आज तीन चीज़ें परिभाषा सीखी, मैं वापस से दोहराता हूँ। पहला प्रतिलेखन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। जब एमआरएनए बन गया तो दो लोग आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और राइबोसोम। राइबोसोम मैस एंटीकोडॉन भेजता है, जिसको हम लोग ट्रिपलेट बोला। ट्रिपलेट नाम क्यों दिया, क्योंकि ये तीन के समूह में आता है, ये एमआरएनए से जुड़ता है, और जब ये दोनों जुड़ जाते, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है वो स्पेसिफिक है, कोई भी किसी से नहीं जुड़ सकता, ये फिक्स बंधन होता है, जो अगर होगा तो ही जुड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जुड़ेगा। इसीलिए राइबोसोम बहुत ही विशेष प्रकार के यहाँ पे कोडॉन और एंटीकोडॉन का मिलन करवा के अमीनो अम्ल को जोड़ते जाता है। तो एमआरएनए के कोडॉन एवं राइबोसोम के एंटीकोडॉन जब मिलते हैं तो अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं ऊपर। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भाषांतर। और जब यहाँ राइबोसोम एक सिरे से दूसरे सिरे तक आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ने की, अब ये बढ़ेगा तो तीन तीन कोडॉन के अंतर से बढ़ते जाता है, इसको ही कहते हैं स्थानांतरण। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।